आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राजनांदगांव में किसानों ने स्वाभिमान रैली निकाली और कांग्रेस को उसके वादे याद दिलाए और उन्हें पूरा करने का आग्रह किया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने स्वाभिमान रैली निकाली। रैली का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को उसके घोषणा पत्र में किसानों से किए गए वादे याद दिलवाना और उन्हें शीघ्र पूरा करवाना था। किसानों ने कहा कि अगर शीघ्र वादे पूरे नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तो आदेश आया है, अभी खाता में पैसा किसी किसान के नहीं आया है और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी किसान का खाता में पैसा आ जाएगा। कर्ज माफी के अलावा जो आप बिजली बिल की बात की गई थी, क्या उम्मीद है सरकार से आप लोगों को? हाँ, उम्मीद तो है, पर अगर उम्मीद से अगर खरा नहीं उतरेगा तो हमारा किसान संघर्ष हमेशा लड़ाई लड़े पर तैयार है और ये लड़ाई लड़ते रहे। हमने किसान सम्मान यात्रा का आयोजन इसीलिए किया है कि हमने जो संकल्प लिया था इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, वो सफल रहा। और जो मांग हम सरकार से, अभी जो नई सरकार जो आई है, उनसे हम मांग रखे थे कि किसानों का कर्ज माफी किया जाए और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, उस पर सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। इसके लिए हम नई सरकार को बधाई देना चाहते हैं और पुरानी सरकार जो विपक्ष में आई है उनको भी हम शुभकामना देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए। देखो, मैं सौभाग्यशाली हूँ, किसान भाई लोग ने मुझे सम्मान किया और मैं, मेरा भी जो पूरा दिनचर्या रहेगा, मेरी लगातार मैं 5 साल तक मैं किसानों के हित में काम करूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं भाई सुदेश के काम से कि हम लोगों के साथ बिल्कुल समन्वय बनाएंगे, ऐसी आशा है। क्योंकि टेक्निकल रूप से बहुत सारा चीज़ जो है चुनौती आएगी हमको अपने घोषणा पत्र में अमल करने के लिए, पर हमारा भूपेश बघेल जी है वो बहुत अनुभवी आदमी है और संकल्पित है किसानों के हित में। और मैं इसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा से बहुत छोटे छोटे चीज़ों में होगा तो भाई जी ने एक समन्वय बनाएगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।